बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं यार एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी एक सऊदी खातून की वीडियो है जी। आपको पता ही, सऊदी खातून माशाल्लाह ड्राइविंग करने लगी हैं। मक्का में एक दफ़ा मैं मौजूद था, तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी लगे हुए थे बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे थे रंग का। उन लोगों ने बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी, तो सऊदी खातून, मैं भी वहीं पर से मेरा गुजर हो रहा था, तो सऊदी खातून से उसके पास शेवरलेट बड़ी गाड़ी थी। उसने ना जैसे ही वो गाड़ी ऐसे कट की है ना, तो उनकी गाड़ी को पाकिस्तानियों के पास वो 86 मॉडल पुरानी गाड़ी थी, रंग साजों के पास ऐसी गाड़ी होती है, आपको बताइए। उसने वो गाड़ी को डेंट डाल दिया साइड से। अच्छा, वो पाकिस्तानियों ने बाद में उस बात की, वो गाड़ी में आराम से बैठी हुई है और वो बुखलाहट का शिकार हो गई थी, ये होकर गया है। तो ये जो खातून है जिसकी वीडियो यहाँ पर शायद मैं अभी आपको चलानी दिखानी शुरू भी कर चुका हूँ, इस खातून से भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि इसके साथ एक मर्द बैठा हुआ है सऊदी, इसने दुकान के बाहर गाड़ी पार्क करनी है, लेकिन पार्क करते वक्त इसके भाई इससे यानी कि एक्सीलेटर ब्रेस रेस के ऊपर भाई इसका पाँव ज़्यादा आ गया है। सामने एक लगा होता है जी, आपको पता है लोहे का राड, उस राड को भी इस गाड़ी ने प्रेस किया है, शीशा तोड़ा है दुकान का, दुकान के अंदर घुस गई। आप देख सकते हैं इस वीडियो में दुकान के अंदर घुस गई है। और ये दुकान भाई तिब्बी सामान का यहाँ पर से मिलता था, जो आपको पता है जी डॉक्टरों वगैरह के मुतल्लिक सामान होता है मजदूर अफराद के लिए, तो तिब्बी सामान यहाँ से मिलता था। उस दुकान के अंदर घुस गया, अंदर एक शख्स भी मौजूद था, उसको भी इसने जख्मी किया है। लेकिन आप देख सकते हैं फिर गाड़ी ये शुक्र है अल्लाह का कि फिर वहीं पर रुक गई है, उससे आगे मजीद उसने एक्सीलेटर नहीं दबाया, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जानी नुकसान से मुराद यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बाकी तो दुकान का तो काफ़ी नुकसान हो गया है। ये भर देंगे ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन सऊदी खातून सऊदी खवातीन के मुतलक जहीं जहाँ कहीं भी आप भाई गाड़ी देखें ना उनको चलाते हुए, तो आगे से हट जाएं, यही आपके लिए बेहतर है।